मंगलवार सुबह आगरा किला के सुरक्षा कर्मियों और शिव सैनिक कार्यकर्ताओं के बीच तकरार हो गई। देखते ही देखते तकरार गर्मा गर्मी में बदल गई। मामले को बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों की पहल करने के बाद मामला शांत हुआ। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि शिव सैनिक झंडे के साथ आगरा किले में प्रवेश करना चाहते थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिस पर बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से लगभग 40 शिव सैनिकों का एक दल आगरा किला भ्रमण करने के लिए आया था। जब वह मंगलवार सुबह आगरा किला पहुंचा, पहले सभी ने आगरा किले का भ्रमण किया। हाथों में झंडे लेकर आगरा किले पर फोटो व वीडियोग्राफी कराने के लिए किले में प्रवेश करना चाहते थे। झंडे के साथ किले में प्रवेश करने को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर शिव सैनिकों और आगरा किले के सुरक्षा कर्मियों के बीच तकरार हो गई। गौरतलब है कि आगरा किले के साथ साथ सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर झंडे बैनर के साथ किसी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस तरह की घटना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। वहीं सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी रहती है कि वह इस तरह की गतिविधियां स्मारकों के अंदर न होने दें। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स आल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड, औरंगाबाद, मथुरा।